नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेक केयर लाइफ इजी टेक्निकली में। दोस्तों आज हम आपके लिए एक ऐसा सोल्यूशन लिख के आए हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे पास वर्ड डॉक्यूमेंट होता है और हमें उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करना होता है, तो हमें पता नहीं लग पाता कि हम इसे पीडीएफ में कन्वर्ट कैसे करें। उस समय हम वेबसाइट्स ढूंढना शुरू कर देते हैं कि कहीं पर हम अपलोड करें वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाए। तो ये बिल्कुल ही सिंपल है, आज हम बताएंगे कैसे करना है। दोस्तों जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपको कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाए। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए लेके आते हैं डेली के टिप्स एंड ट्रिक, जो आपकी डेली लाइफ में हेल्प करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने में, एक्सेल या एमएस वर्ड के रिलेटेड यानी डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटेड। आइए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे आपके पास कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट हो, ये हमने एक सैम्पल डॉक्यूमेंट लिया है वर्ड का, जिसमें आपको बताएंगे कि कैसे करना है। ये एक फोल्डर में ये वर्ड डॉक्यूमेंट सेव किया, यहाँ पे हम पीडीएफ का जो है फाइल भी सेव करेंगे। इजी प्रोसेस है, इसे क्या करना होता है, इसलिए आपको सिर्फ सेव करना होता है, सेव करते समय जो इसकी एक्सटेंशन है उसे पीडीएफ में सेव करना है। जैसे अभी हमने सेव एज किया, सेव एज में जाके अदर फॉर्मेट्स में जाना है। अदर फॉर्मेट में जाओगे तो फाइल टाइप पूछ रहा है, तो फाइल टाइप को आपने कर देना यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट आपको दिख रहा है, इसे सेलेक्ट करेंगे और इसे सिंपली सेव कर देंगे। तो आपकी होगा क्या कि पीडीएफ एज फाइल एज ए पीडीएफ सेव हो, ये देखिए सेव हो चुकी है। इनकोडिंग पीडीएफ दिस कम्प्लीटेड, और ओपन फाइल किया तो ये देखिए हमारी पीडीएफ में फाइल जो है वो ओपन हो चुकी है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट है वो आप कोई भी डेटा हो वो डॉक में सेव करिए, उसके बाद से सेव कर एज कर दीजिए पीडीएफ में। इससे क्या होगा कि जो डॉक फाइल है वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके लिए आपको एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसमें आपको जो पीडीएफ का अडोब रीडर होता है वो आपके सिस्टम में जरूर नहीं, ये देखिए अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, अडोब एक्रोबैट करके एक सॉफ्टवेयर है, ये आपके सिस्टम में जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये हेल्प करता है आपको पीडीएफ फाइल रीड करने के लिए। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर आपको वहाँ पे फाइल एक्सटेंशन में जो है फाइल टाइप में पीडीएफ की एक्सटेंशन भी दिखनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों ये एक सिंपल प्रोसेस था जिसमें आपको एक अडोब वाला जो सॉफ्टवेयर है उसे इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद आप इसे आप पीडीएफ में कोई भी डॉक की फाइल कन्वर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये आप अपने सिस्टम पर ट्राई कीजिए, अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए, अदरवाइज आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए डेली की टिप्स एंड ट्रिक्स ये कहते हैं जो आपको हेल्प करते हैं डेली लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल को शेयर कर देना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली इम्पोर्टेंट वीडियो इन फ्यूचर मिलती रहे। थैंक।